हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और निधिज़ किचन में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ही क्विक सा 5 मिनट में फ्राई होने वाला चिकन फ्राई रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फटाफट से चिकन को वॉश करके एक जाली पर रख लिया है ताकि उसके पानी जो है वो निकल जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने वो जो रेडीमेड आता है ना, वो भी आप ले सकते हो, होम मेड वाला ले सकते हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे चिकन फ्राई मसाला आता है। आप देख सकते हो काफ़ी अलग दिख रहा है ये। जहाँ पे चिकन आप लोगे ना, वहाँ पे ही वो लोग बहुत टाइप के चिकन मसाला फ्राई रखते हैं, वो आप ज़रूर से लीजिएगा और एक बार इस तरीके से आप फ्राई करके देखिएगा। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी और नमक, और थोड़ा सा मैं ना ऑयल और लेमन डालूंगी। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका है चिकन फ्राई बनाने का, जब भी आपका मन करे झटपट से बनाइए। और हाँ, सबसे मेन चीज़ है, टिप्स है आपको ये क्रिस्पी बनाने के लिए, इसमें ना एक अंडा ज़रूर डालिए। बहुत से लोग कॉर्नफ्लावर, बेसन, बहुत तरह तरह के आटे इस्तेमाल करते हैं, पर आप इस एक बार ये अंडा डाल के और फ्राई करिएगा। आप बार बार इसी तरीके से फ्राई करोगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख दो, ओवरनाइट रखोगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पर पता है, मैं ना इस फ्राई के साथ एक चटनी बनाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ धनिया, पुदीना, लहसुन, मिर्ची, अदरक और थोड़ा सा जीरा और मिर्ची। यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपको ना ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप नींबू और दही दोनों का इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ पे सिर्फ दही का इस्तेमाल करूँगी। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो गया है, हमने उसमें डाल देना है चिकन। और ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने बस मैरिनेट किया और फ्राई किया, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मेरे घर पे लोग, मतलब जिनके लिए मैं बना रही थी, वो सारे लोग ही आ रहे थे, सो मेरे पास टाइम ही नहीं था। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ आप रख दीजिएगा, इससे आपके जो चिकन है वो बहुत अच्छे से बनेंगे। यहाँ पर मैंने दही डाल के, ये देखिए, चटनी बिल्कुल होटल स्टाइल वाली तैयार कर ली है। बिल्कुल आपको होटल वाला स्वाद आने वाला है, तो आप ज़रूर से एक बार इसको बना के देखिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और मैं ये चिकन फ्राई, मटन फ्राई, ऐसा कुछ फ्राई रहता है ना, उसके साथ इसी टाइप की जो चटनी है ना, वो बना के रखती हूँ, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हो मज़ेदार है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, फिर मिलेंगे।